गाइस चाय 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 शर्मा जी ने चाय बनाई है। यहाँ पर रैपिड टेस्ट हो रहा है इस गांव में, विच इज करग्याक। अभी जाते हैं, थोड़ा सा जगह ढूंढते हैं, सुसु करना है। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी फ्रॉम दाचा टू माय चैनल। और ये रूट जो आप देख रहे हैं गाड़ी में, दिस इज द रूट वी आर गोइंग टू फॉलो। और हमारे साथ ये मैं अजय की गाड़ी में हूँ। दिस चैनल नेम इज ऑफ रोड ब्लॉग्स अजय, तो आप इनका चैनल देखना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे डालूंगी। आप भी कहना चाहोगे कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? चलो ग्रेट, वी आर एक्साइटेड फॉर पदु, लेट्स डू दिस। ऑल्सो गाइज, यहाँ पर ये जो वाटर स्ट्रीम है इसका पानी इतना ज़्यादा ठंडा है। यहीं पर ब्रश किया, यहीं पर फेस वॉश किया, यहीं बहुत ज़्यादा इतना चिल्ड ग्लेशियर वाटर है ना, इवन ऐसे हाथ डाल के आप 10 सेकंड से ज़्यादा रख नहीं सकते हो। ये लड़के ने चाय बनाई है, शर्मा जी ने चाय बनाई है। कैसी है चाय? अच्छा, हम लोगों ने अभी टेस्ट नहीं किया। ओके, चाय बहुत ही अच्छी लग रही है। कलर देखो, ओह माय गॉड, कलर तो बहुत ही बढ़िया है। वधिया जी वधिया, बड़े डेडिकेशन से बनाई है इसने, मानना पड़ेगा इसको। बताएंगे कैसी है। वेरी नाइस, चाय ले लो यार सब लोग आके। गाइस चाय 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 चाय। आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है इज गोइंग टू बी पदुम, और आई एम सुपर एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड फॉर द टेरेन, बिकॉज मैंने बहुत काफ़ी सुना है इसके बारे में। इट्स 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। वी डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। वी विल बी स्टॉपिंग बाय आई थिंक शिंगोला पास के बाद हम रुकेंगे, क्योंकि वो रिवर क्रॉसिंग है। 12 बजे के बाद वो रिवर क्रॉसिंग काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है, पानी का फ्लो बढ़ जाता है। सो वी डिसाइडेड कि हम 12 बजे से पहले वो रिवर क्रॉस कर लें। अभी बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं गाइस, वी आर लेट ऑलरेडी। बट हमारी जो दो गाड़ियाँ हैं आगे, किचन टीम, वो आगे जा चुकी है, क्योंकि दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर अस ब्रंच ओवर देयर। सारे लोग रेडी है, थोड़ा सा सामान पैक करना है, यहाँ पर जितनी भी गंदगी फैलाई है उसे साफ करना है, क्योंकि यू नो ऑलवेज लेफ्ट योर फुटप्रिंट्स बिहाइंड, नथिंग एल्स, राइट? तो या इसी के साथ लेट्स बिगिन दिस जर्नी एंड डे 3 ऑफ दिस एक्सपीडिशन लिमिटलेस लद्दाख। लेट्स गो गाइस। क्रॉसिंग, पानी का फ्लो अभी इतना है, 12 बजे तक ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेक श्योर वेन एवर यू आर कमिंग फ्रॉम दिस रूट, आप 12 बजे से पहले पहले ये क्रॉस कर लो। एंड वी आर नॉट श्योर कि इसके आगे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि मे भी इससे आगे देख सकते हो आप, फ्लो देख सकते हो, ग्लेशियर वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पर। सो यप, बहुत सारी बाइक्स, बहुत सारी गाड़ियाँ तो सारी हमारी है ऑलमोस्ट। तो यस, शिंगोला पास एंड वी आर इन दिस हाइट। एल्टीट्यूड है 16,580 feet एंड दिस इज प्रोजेक्ट दीपक। अब मेरे पीछे ये देख सकते हैं बोर्ड शिंगोला पास का, एंड द व्यू इज ब्रेथ टेकिंग। इट्स क्रेजी, क्रेजी। एल्टीट्यूड काफी ज्यादा है। हाँ यार, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही घूम रहे सर, सब काम हो जाएगा भाई, इधर खड़े हो जाओ। सो द सिचुएशन हियर इज,
The advance team has reached the base and they are now giving us a call that the water levels are rising pretty high. And that will be an issue. And the cars are already stuck. So now let's push a little. You have to bear it. Okay. Baki, let's push. Teamwork is a dream, makes the dream work. Okay. Let's go. Let's go. Okay. Let's do this, guys. Let's go. Dish bhai ko swift mein chalao. Chalo. Let's go. क्रॉसिंग है वो पिछले वाला मेन नहीं था, दिस इज द मेन रिवर क्रॉसिंग. और यहाँ पे पानी का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है. हमारे साथ की जो दो गाड़ियां थी दे आर हियर राइट हियर. बट ये लोग जब आए थे सुबह सुबह, ये निकल गए थे 5:30 बजे, तो इनको नहीं मिला वो चीज. आई मीन ये इजीली निकल गए, पर हमारे लिए पानी का फ्लो बढ़ चुका है. अभी हम यहाँ से कैसे जाएंगे ये तो ये लोग सॉर्ट कर रहे हैं. ये तो प्रोज, दिल डू इट डेफिनेटली. दिल कितनी देर में हम यहाँ से निकल पाते हैं. ये पानी का फ्लो जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा. सो या दिस इज द सिचुएशन, वी आर स्टक. अब हमारी गाड़ी जाने वाली है गाइज. एक ही बार में एकदम मस्त. लास्ट गाड़ी आ रही है गाइज, सारी गाड़ियां आ चुकी है. लेट्स डू दिस गाइज. जांसकर एंड यप, काफी ब्यूटीफुल और काफी ब्रेथ टेकिंग लग रहा है सब कुछ. आई एम लाइक ओ गॉड, हैप्पी टियर्स. सो वी आर हैविंग लंच. यस अजय जी, विद द व्यू ऑफ गुमोर. चलो चलो यार भाई, आई इससे अच्छा क्या हो सकता है. हेलो एवरीबॉडी, हम निकले नहीं है, हम निकलने वाले हैं. हमारा सारा सामान पैक हो गया, लोड हो गया गाड़ियों में अगेन. ओलैंडोस, यप गाइस, वी आर राइट इन फ्रंट ऑफ गोमोरंजन. Thank you.
गाइस, वी आर इन करग्याक जांस्कर और ये है पहला चेक पोस्ट. हम जहाँ से अभी आए उस तरफ से, तो दारचा के बाद देयर वाज नो चेक पोस्ट, नथिंग. ये पहला गांव भी है और यहाँ पर चेक होता है. सो एज वी ऑल हैव डन आर आरटीपीसीआर, सो हमारी यहाँ पर रिपोर्ट चेक होगी एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर मे बी रैपिड टेस्ट भी हो सकता है सबका. सो इट्स गोइंग टू बी, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर. या लेट्स गो एंड देखते हैं बाहर क्या सीन है. लेट्स गो. बाय द वे, हमारी आरटीपीसीआर तो नेगेटिव है, बट यस, रैपिड टेस्ट इज कंपल्सरी हियर. सो वी आर गोइंग फॉर रैपिड टेस्ट. लेट्स गो. कौन जा रहा है? जाओ तो. हो गया. आप लोग यहीं करग्याक से हैं? पदम से. आप लोग यहाँ से पदम 4 घंटे लगेगा? अरे बाप रे. सिम कौन सा चलता है यहाँ? एयरटेल चलेगा? एयरटेल नहीं चलता. पदम में जियो भी चलता है? प्रीपेड पोस्टपेड दोनों? अच्छा, जियो तो यहीं कहीं से चलना शुरू हो जाएंगे. अच्छा अच्छा, ठीक. जुले, क्या खा रहे हो आप? ये क्या है? ये क्या है? ऑरेंज वाला किंडर जॉय? गाइस, करग्याक से पदम तक की जो राइड थी वो बिल्कुल भी इजी नहीं थी. इतना एक्सट्रीम ऑफ रोड था, आपने पिछले क्लिप्स में देखा ही होगा. और हमें पदम पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए जस्ट बिकॉज ऑफ टेरेन. ये जो ट्रेन आप देख रहे हो, ये अच्छा रोड पदम आते आते ही आया था. उससे पहले इट वॉज सो बैड ऑफ रोड. बहुत मज़े आए पर टाइम बहुत लग गया हमें पहुंचने में. तो पदम की सैर आपको कल करवाएंगे. जांस्कर वैली, जो कि अनएक्सप्लोर्ड वैली है, वो आपको कल से व्लॉग्स में देखने को मिलेगा. तो स्टे ट्यून एंड टाटा बाय बाय. हेलो एवरीबॉडी. ब्रेथ टेकिंग अमेजिंग. ब्रेथ तो सबकी यहाँ पे जाए. Oh God. ये है मेहनत जो ये लोग कर रहे हैं और हम जो सिर्फ पूरा टाइम इधर उधर बकबक करते रहते. माफियाज़.